नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और झटपट बन जाने वाला स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने सैंपल के लिए कुछ फंदे डाल लिए हैं। ये जो हमारा पैटर्न है, इसके लिए एक एक एजिंग का फंदा छोड़ा है मैंने, और बाकी ये दो का मल्टीपल का डिज़ाइन है। और बॉर्डर के तौर पर नीचे मैंने चार सिलाइयाँ सीधी और उल्टी बुनते हुए बनाई हैं। आप इसकी जगह अपनी मर्जी का बॉर्डर बना सकती हैं। और ये दो का मल्टीपल है, तो उसे अनुसार आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार जितने फंदे डालेंगी उसको दो के साथ आप डिवाइड करके बना लीजिएगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एजिंग का पहला फंदा जो है उसको सीधा बुन लेना है। ये देखिए, अब आगे के दो फंदे हैं जो उनको इस तरह से हमने थोड़ा सा सिर्फ ढीला किया है। इस तरह से दो फंदों को इस तरह से सिलाई डाल के हमने सीधा बुनना है, पर फंदों को उतारना नहीं है। ये देखें, अब हमने दो फंदों के छह फंदे करने हैं और हमने उनको इस तरह से धागे को आगे करके फिर से इसी दो फंदों को हमने इस तरह से बुनना है। ये देखें, ये एक दो तीन फंदे हो गए। अब फिर से हमने धागे को इस तरह से सिलाई पे डाल के पीछे वाली तरफ से हमने इस फंदे को बुनना है सीधा इस तरह से। ये हमारा पांच फंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच। अब जो ये दो फंदे हैं, इसका जो पहला फंदा है उसको बुनेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से अकेले फंदे को बुना। अब हमने ये दोनों फंदे उतार देने हैं नीचे। ये देखिए, दो के हमने छह फंदे कर लिए। ये देखिए, छह फंदे हो गए। अब आगे फिर से हमारे दो फंदे आगे, उनको हमने इसी तरह से फिर से दो से छह करने हैं। ये देखें, एक ये धागा डाला, दूसरा हो गया। फिर से सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये तीसरा फंदा आ गया। फिर धागा सिलाई पे इस तरह से उतारेंगे और पीछे वाली तरफ से इसको बुनेंगे। और ये चौथा और एक बुनने पे पांचवा हो गया। और दो फंदों में से जो अगला फंदा है पहला, उसको बुनेंगे, तो ये हमारा छठा फंदा हो गया। और इस तरह से हमारे ये दो के छह फंदे हो गए। इस तरह से हमने हर दो दो फंदे के छह छह फंदे करते हुए पैटर्न की पहली सिलाई को कंप्लीट करना है। दो सिलाइयों का रिपीट करते हुए ये पैटर्न है, बड़ी ही आसानी से बन जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। कार्डिगन्स बनाइए, स्वेटर बनाइए, मफलर्स बनाइए, कैप्स बनाइए। बड़ा ही प्यारा बनता है और झटपट बनने वाला डिज़ाइन है। बस हमने दो फंदों के छः करते जाना है। और उसके बाद उल्टी सिलाई में कैसे करना है, इन छः फंदों को दो कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये फर्स्ट रो हम कम्प्लीट करेंगे दो से छः करते हुए। आप चाहें तो इसको दो रंग में भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए एक ही रंग लिया है। और है भी ये सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई का डिज़ाइन, तो बड़ा ही आसान है। कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। दो रो का डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है। देखें, इस तरह से हमने बस दो फंदों के छह फंदे करते हुए इस सिलाई को, फर्स्ट रो को कम्प्लीट करना है।
ये एक फंदा लास्ट का एचिंग का आ गया। देखिए इस तरह से ये दिखना शुरू हो गया हमारा पैटर्न। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, यानी कि सेकंड रो पैटर्न की उल्टी तरफ से एचिंग का एक फंदा हमने उल्टा ही बुन लिया। अब जो हमारे छः फंदे हैं जिसको हमने दो से छः किया था, पहले के तीन फंदे हमने इकट्ठे बुन के एक फंदा करना है उल्टा, धागे को पीछे वाली तरफ करके अगले के तीन फंदे इकट्ठे बुनने हैं और फंदा बनाना है हमने सीधा। फिर धागा आगे करना है, तीन फंदे लेके उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके अगले के तीन फंदे सीधे बुनेंगे। क्योंकि तीन तीन फंदों का हमने एक एक फंदा बनाना है और एक सीधा बुनना है, एक उल्टा बुनना है। इस तरह से हमने सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें ऐसे। फिर थर्ड रो में हमने स्टार्टिंग से वैसे ही दो फंदों के छः फंदे करने हैं, और इसी तरह से हमने ये दो रो का जो डिज़ाइन है, हमारा पैटर्न है, इसको रिपीट करते हुए अपने प्रोजेक्ट पे डाल लेना है। ये देखिए हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। लास्ट का एजिंग का फंदा भी हमने इस तरह से उल्टा बुन लिया। इसी तरह से हमने अब सीधी तरफ से फिर से इस पैटर्न को रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न दिखना शुरू हो गया। इसको अब हम रिपीट करते जाएंगे सीधी और उल्टी सिलाई में, और हमारा ये बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने प्रोजेक्ट पर, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें आगे से और पीछे से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है पैटर्न। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर डालेंगे बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखें और है भी बड़ा ही आसान। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।